बहुत अहम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाना पड़ा। जो ये आप जानते हैं, पिछले दिनों एक ये जो चर्चित हत्याकांड है, जानू हत्याकांड, जिसमें कि पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, 307 तक के भी मुकदमे दर्ज हैं, उसका जो आज एक हमने मुख्य आरोपी है, जो 25,000 रुपये इनामी है, मनोज उर्फ शंटी जाट, सन ऑफ जसवंत सिंह, और ये जबीरन गाँव का रहने वाला है, सरसावां इसका पुलिस स्टेशन लगता है और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से है, और ये मुख्य अभियुक्त था इस 302 में। बाय नेम ये एक एक्यूज था जिसको मौके पे ही रिकग्नाइज किया था, इसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और आज इसको पेश किया है। कल इसकी गिरफ्तारी कर ली थी हमने, लेट पता लगा था गांव में, तो पुलिस ने जाके रेड की और फिर इसकी गिरफ्तारी डाली है यहाँ स्पेशल सेल में। जो ये हमारा स्पेशल सेल है, सब इंस्पेक्टर राजेश राणा जी के अंडर जो रन कर रहा है हमारा एंटी बर्गलरी स्टाफ, तो चूंकि इसमें आईओ मैं हूँ, SC ST एक्ट लगा हुआ है, तो गिरफ्तारी मेरी तरफ से डली थी, तो आज हमने उसको बड़े सुरक्षा के इंतजाम में पेश किया है और उसका रिमांड लिया है। रिमांड में अब कई अच्छे केस से रिलेटेड खुलासे होने वाले हैं और बहुत जल्द ही इस केस का जो है कंक्लूसिव जो एंड है कि इसमें क्या कारण रहे, कौन कौन लोग थे, क्या मोटिव था, वो सब खुल के आएंगे और पता लगेगा कि असली कारण क्या था इस हत्याकांड का। सर, शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया? हाँ, शुरुआती पूछताछ में पता लगा है कि जो इनकी एनिमिटी है पुराना है, जो चलता आ रहा है, इनके कई आपस में मुकदमे दर्ज हैं, इवन 5-6 ऐसे मुकदमे हैं जिनके आपस में ये मुद्दई हैं, एक मुकदमे में किसी में मुलजिम है, किसी में मुद्दई हैं, तो इनकी एनिमिटी शुरू से चलती आ रही थी। और हम सब जानते हैं कि जो दिसंबर माह में 2021 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का, जिसमें कि जानू के ऊपर भी गोलियां चली थी और उसमें भी सचिन पंडित और सुमित राणा बाय नेम एक्यूज हैं उसमें, और उसमें इसके ऊपर भी 120 भी का आरोप है शंटी के ऊपर। तो अभी एक बार हम इससे पूछताछ करेंगे, कस्टोडियल इंटरोगेशन में पता लगेगा कि इसका क्या रोल है बाकी के मुकदमों में और इस मुकदमे में। कितने के रिमांड पे लिए इसको? हमने देखिए 3 दिन का, अभी इनिशियल 3 दिन के रिमांड पे लिया है, क्योंकि इससे हमने इसमें इसका जो वेपन है जो इसने यूज़ किया है क्राइम में, वो हमने रिकवर करना है, और इसका जो पासपोर्ट है, आपको जान के अति हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है यमुनानगर पुलिस के लिए कि ये जो शंटी है ये एक फॉरेन कंट्री भाग गया था, और पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए, टेक्निकल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग का सामंजस्य बिठाते हुए, इसको बाहर से दबिश दे के सहायता से, बाहर की पुलिस की सहायता से भी इसको हमने तक कोई कंक्लूसिव उस पर हम नहीं पहुंच जाते, तो किसी भी संभावना से इनकार तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो इनपुट है वो हमारी, वो एक यूपी के हैं दो लड़के जिन्होंने इस तरीके के अटेम्प्ट किए हैं, और जो वहाँ का स्पेशल स्टाफ है उसने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि आपके यहाँ जो ये घटना हुई है ये घटना सिमिलर है, और फुटेज जो CCTV फुटेज आई है उससे भी ये बात वो क्लियर कर रहे हैं कि ये वही लड़के हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनिशियली और प्राइमा फेसाई उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस गैंग से, सचिन पंडित वाले, वो एक अलग गैंग है और उस पर हमारी अलग एक टीम काम कर रही है। लिया है आज 3 दिन की, और बहुत जल्दी ही ये जो खुलासे होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। गिरफ्तारी इसके गाँव से, जो इसका गाँव है जबीरन गाँव है, पुलिस स्टेशन सरसावा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। बाकू उसकी कैपिटल है, बाकू। ये डिसइंटीग्रेटेड रशिया जो USSR हुआ करता उसकी।